अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त काला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदेद करते हैं अपने नए सेट पे, अपने नए किचन में। उम्मीद है आप लोगों का हमारा नया किचन अच्छा लगा होगा। बहुत रिफ्रेशिंग लुक है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत लुक है। और हमारी मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रिया है जिन्होंने हमें इतने खूबसूरत से किचन बना के दिए। पता है मज़ा आता है, जब ज़ाहरी बात है आपकी हर चीज़ नई होती है, आपको मज़ा आता है काम करने में, इंजॉय करता है बंदा, फ्रेश डील करता है बंदा, है ना। आज मंगल वाला दिन है और शायद नहीं मेरे साथ हैं, तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और फिर वहाँ पे हम बुलाएंगे शेफ नईम को, ताकि वो आज आप लोगों की फरमाइश पे बना रहे हैं पीना कोलाडा केक। और बहुत अच्छे से आप लोगों की फरमाइश थी वो जो उन्होंने अंडे के ऊपर डेकोरेशन किया था, तो वो दोनों चीज़ बनेंगी। तो वेलकम करते हैं हम शेफ नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारा चेंज कैसा लग रहा है? मैं आपको वही मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह कि बहुत प्यारा किचन बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, काम करने में भी बड़ा मजा आता है। यही तो, यही तो, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आपको भी चेंज लगेगा, बीटर आपके पास नहीं रहेगा, साफ सुथरा किचन है हमारा, खाली खाली लगेगा, वरना हर चीज हमारी जान पे आती थी। यही था होता था। अब आप पीछे, आपको पीछे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। हाँ, इंशाल्लाह आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज आप सबकी फरमाइश पे बना रहे हैं पीना कोलाडा केक। जी बिल्कुल। और आप अपना वो चॉकलेट गार्निश करेंगे अंडे के साथ। जी, इसका स्पंज पहले बना के हम इसको बेक करेंगे। ठीक है। और इसके बाद के वो जैसे टाइम मिलेगा चॉकलेट की गार्निशिंग, इंशाल्लाह वो तो झटपट हो जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले हम अंडे ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है। और ये साथ जाएगी चीनी। ठीक है। चार अंडे यूज करेंगे। सिंपल स्पंज लगाएंगे सिर्फ। इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे वो होगा कोकोनट पाउडर, ताकि इसका टेस्ट जो होगा ना वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, चार अंडे। जी, चार अंडे हो गए इसके अंदर। एसेंस डालेंगे इसके अंदर, वेनिला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। जी, इसको करेंगे बीट। शुगर डाल दी आपने? जी, शुगर डाल दी मैंने। अच्छा, 100 ग्राम चीनी है और चार अंडे। जी, और वेनिला एसेंस चंद कतरे। अगर आपके पास बीटर मौजूद है तो बीटर से भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सिर्फ कोकोनट पाउडर, ये मैदा आ गया हमारे पास, इसके अंदर ऐड हो जाएगा कोकोनट पाउडर। ठीक है, मैदा है 100 ग्राम और कोकोनट पाउडर है 20 ग्राम। कोकोनट पाउडर मतलब आपने मिल्क पाउडर दिया है? जी। या डेसिकेटेड कोकोनट? नहीं, वो तो हम अलग से रख दिया, ये डालना ही नहीं है। ये नोट बिल्कुल चेंज करेंगे, यही मैं कह रहा हूँ। पाउडर लेना है, मिल्क पाउडर जिसे कोकोनट मिल्क पाउडर होता है वो यूज करेंगे। ठीक है, जो पैकेट्स में आता है वो वाला लेना है आपको, कोकोनट मिल्क पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा, लेकिन वो बाद के लिए। ठीक है, वो हम डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। हाँ। या लेयरिंग में थोड़ी बहुत अगर हम डालना चाहेंगे तो शून्य डाल देंगे। अब हम वेट करते हैं इसके फ्लफी होने का। ठीक है, और विपी विप क्रीम भी हम ले लेते हैं, उसको भी हम बीट कर लेते हैं। अब मुझे कोई मिक्सिंग के लिए कोई चीज़ दे दें, स्पैचुला वगैरह दे दें, बल्कि ये स्पून दे दें मुझे बस। ठीक है, ये लीजिए। सेवन इंच का बोल्ड यूज करेंगे इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से हमने कर लिया ग्रीस। ठीक है, बटर से कर लें, ऑयल से कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। कोकोनट मिल्क मेरे पास मौजूद है जिससे हम इसको करेंगे सोक। अच्छा, और हम क्रीम के अंदर भी कोकोनट पाउडर डालेंगे, यही वाला। जी, ताकि उसका भी टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। पीना कोलाडा केक का मतलब यही है कि आप पाइनएप्पल और कोकोनट के साथ बना हुआ केक होता है। केक के मिक्सचर में, बैटर में भी जा रहा है कोकोनट मिल्क पाउडर, जा चुका है। ठीक है, 20 ग्राम।
और इसको जो केक जब बेक हो जाएगा तो उसको भी हम सोक करेंगे कोकोनट मिल्क के साथ। बिल्कुल ठीक है। आपने कैन का लिया है, टिन का लिया है, या आपने यही वाले को साशे यूज किया हुआ डिसॉल्व कर जी, बिल्कुल वही कोकोनट पाउडर को साथ डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद सोक इसी से करेंगे ना, और व्हिपिंग क्रीम में भी यही थोड़ा डालेंगे ताकि टेस्ट चेंज हो जाए ना। ठीक है, दो चार मिनट लगेंगे इसको, हो जाएगा ये। जब भी आपको ऐसा स्पंज वगैरह बनाते हैं और जब तक वो क्रीमी फॉर्म में नहीं आएगा तो आप इसका वेट करना है, क्योंकि स्पंज की समटाइम रेसिपी क्या होती है कि ख़राब हो गई। वजह क्या हुई कि दो चार मिनट उसको बीट किया, ऐसा नहीं होता। इसके टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैं इंशाल्लाह इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा इसका टेक्सचर कैसा होगा। उसके बाद फिर इसकी हाथ से मिक्सिंग करेंगे और इसको टैप नहीं करेंगे। कभी भी स्पंज आप बनाएंगे उसको टैप नहीं किया जाता। समटाइम जो गलती होती है, जो जो स्पंज आपका बैठ जाता है, क्योंकि अंडा जब फ्लफी होता है जब उसको टैप करेंगे वो सारा बैठ जाता है, जिसकी वजह से जब आप उसको बेक कर रहे होते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, वो फ्लफी नहीं होता। दूसरी बात, एक और सवाल था मेरे पास कि पतीली में बेकिंग बार बार खोल के देखते हैं किस चीज़ में बेक किया, पतीली में बेक किया, तो इसका भी बड़ा ध्यान करना है। एक दफ़ा आपने उसको रख दिया पतीले के अंदर, ऊपर से कवर कर दिया, फिर टाइम नोट करना है आपने, 50 मिनट 55 मिनट के बाद आपका स्पंज बिल्कुल रेडी होगा। खोलना नहीं है उसको, अगर खोलेंगे तो स्पंज बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, गलती से हमारी रेसिपी में लिखा हुआ है स्लाइस्ड पाइनएप्पल 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नहीं है, 1 कैन है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। गलती से स्लाइस्ड पाइनएप्पल 1 टीस्पून लिखा है, उसको आप 1 टिन कर दीजिए। और कोकोनट मिल्क भी 1 टीस्पून लिखा है, वो आपको जितनी ज़रूरत होगी हम देख लेंगे केक को सोक करने के लिए और विप क्रीम में डालने के लिए। चलिए जी, ये हो चुका है। अभी जितना मैदा है आपने इसको 2 से 3 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्सिंग करेंगे। एक साथ सारा मैदा नहीं डालेंगे, अगर हम टी केक वगैरह बना रहे होते तो फिर सारा मैदा एक साथ डाला जाता है बटर केक, लेकिन स्पंज के अंदर ऐसा नहीं होता। अच्छा, टेक्सचर देख लें इसका, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में है ये, इसको ध्यान से देखिए ना आपने, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम घर में जब आप बनाएं तो उसके टेक्सचर को फोकस करना है आप। ये देखिए, दूसरी बार मैदा डाल दिया, थोड़ा सा अच्छे से मिक्सिंग करना है इसको। तीसरी बार थोड़ा मैदा जाएगा, अब ये जाएगा इसके अंदर सारा मैदा। आपके पास अगर गैस ओवन है तो इसको आपने 190 या 200 पे बेक करेंगे, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो आप इसको 160 पे बेक करेंगे, और तकरीबन 25 से 28 मिनट। मैदा ठीक से मिक्स हो गया, फिंगर ऐसे खुली रहनी चाहिए आपकी मिक्सिंग के दौरान। चलिए, इसको हम डाल रहे हैं 7 इंच के राउंड ग्रीस्ड पैन में, और इसको हम डालेंगे, चूंकि हमारे यहाँ ओवन इलेक्ट्रिक हैं तो 160 पे ये जाएगा बेक करने, 160 सेल्सियस। डाल दूं बेटा? जी बिल्कुल। ठीक है, चलें, हम इसको डाल रहे हैं अपने ओवन में, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और हमारा केक पीना कुलारा केक जा चुका है ओवन में। 4 अंडे का हमने फैटलेस स्पंज बनाया था विदाउट एडिंग इन एनी ऑयल और बटर, ठीक है, और उसमें हमने कोकोनट पाउडर मिल्क पाउडर यूज़ किया है। अब हमने ली है विपी विप की क्रीम, 200 ग्राम चिल्ड होनी चाहिए क्रीम। विपी विप की क्रीम है, बेहतरीन क्वालिटी है ये मिल्की स्मूथ की क्रीम विपी विप, और इसको 200 ग्राम लेके उसको हम बीट कर रहे हैं। इसको बीट करते हैं जब तक कि, और पाइनएप्पल के कर लेते हैं स्लाइस छोटे छोटे, साथ ही हम चॉकलेट को भी रेडी करते हैं। इसकी लेयरिंग में भी डालेंगे और इसके टॉप पर भी। ठीक
चलें फिलहाल इसको हटा देते हैं, चॉकलेट वर्क कर लेते हैं जब तक क्रीम हमारी रेडी होती है। मिल्की फूड की डार्क चॉकलेट ठीक है मेल्ट कर ली। ये डेकोरेशन हो रहा है चॉकलेट गार्निश अंडे के साथ एग के साथ। मिल्की सी डार्क चॉकलेट आपने लिए 300 ग्राम और उसको आपने वो कर लिया है मेल्ट कर लिया है। अच्छा जी ये जो मैंने फ्रिज में रखे थे ये अंडे हैं। अच्छा ऐसा क्या मुझे तो याद भी नहीं। और इसके ऊपर हमने को रैप करना था। ये एक मेरी बात नहीं ये साबुत अंडे अंदर है ना। हाँ पूरे साबुत अंडे हैं और है। इसके ऊपर हमने क्या किया कि इसको क्लिंग को कोट करके ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अब ये मैंने निकाल दी, बहुत ज्यादा ठंडे ना हो, बहुत ज्यादा ठंडे हो गए कोई टेंशन वाली बात नहीं, वर्किंग जल्दी हो जाएगी। चॉकलेट मेल्ट होनी चाहिए आपकी। टिश्यू ले लिया मैंने। अब ये आपने देखना है ध्यान से, बहुत ज्यादा डिप नहीं करना इसको, थोड़ा सा डिप करना है बस। फिर इसको अगेन हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। लीजिए सीख लीजिए आप तो अभी से सेट हो रहे हैं। हाँ रूम ठंडा हो रहा है ना और अंडे भी बहुत ज्यादा ठंडे हो गए। आपका क्रीम को टाइम लगेगा क्योंकि क्रीम बहुत ठंडी थी। हाँ टाइम लगेगा बिल्कुल। चॉकलेट आपकी ठीक से मेल्ट होनी चाहिए तो ये वर्क अच्छा होगा। और ये अंडे ठंडे हैं तो ये फौरन ही जम रहा है इसके ऊपर। आप ये एक चीज ध्यान से देखने के बहुत ज्यादा डिप नहीं करना है इसको। अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है नहीं कि ये जो आप इतने सारे अंडे बना रहे हैं तो सबसे अलग अलग डिजाइन बनाएंगे या एक? नहीं नहीं नहीं, नहीं आपा एक ही डिजाइन होगा, सब कुछ ज्वाइन करेंगे ना, जोड़ेंगे ना। ओह वाओ। अच्छा लास्ट टाइम आपने ये नहीं किया था, लास्ट टाइम आपने एक अंडे, आज आप कुछ और कर रहे हैं। जबरदस्त। ग्यारह अंडे, ग्यारह बारह दस कोई इश्यू नहीं है, बार बार कर लेंगे इसको। तो ये कि मैंने जल्दी के लिए ना ताकि एक ही साथ सारे रेडी कर देंगे ना। सही। लेकिन जब आप ऐसे कोई केक बनाएंगे ना तो वो आप सर्दियों में बनाएंगे। हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी हाँ। होंगी, अगर किसी को देंगे तो वो सारा आपकी जो मेहनत होगी ना वो रायगा हो जाएगी। अंडे ठंडे थे ना फौरन से सेट हो गया। आप एक नजर आप क्रीम को देख लीजिएगा प्लीज। आपको स्टिफ चाहिए? जी बिल्कुल। चलिए अब क्रीम को देख लेते हैं, थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चेक कर लेते हैं इसमें कि नीड है हमें फ्रिज में रखने की या ऐसे ही उतर जाएगा, तो एक को चेक करते हैं पहले। अगर हमें नीड हुई फ्रिज में रखने की तो फ्रिज में रखेंगे। नीड नहीं, बहुत ठंडा हो गया माशाल्लाह। दोबारा देखते हैं, अगर हमें नीड हुई तो इसको दोबारा हम जमा देते हैं। ऐसे उतरेगा ये डायरेक्ट, इसके ऊपर से उतारने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा।
अच्छा ये ऐसा हुआ है कि इसको हमने फ्रीजर में रखी है ना, तो अंडे बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, जिसकी वजह से वर्किंग अच्छा, बहुत फ्रीजर आसान में रख दिया था। फ्रीजर में रख दिया ना, हाँ तो जिससे क्या हुआ कि वर्किंग बहुत आसान हो गई हमारे लिए। अब देखिए अपनी क्रीम हो गई है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हुई है, दो तीन मिनट और। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ये, हाँ ये थोड़ा आपने, लेकिन आसान है, आसान है बिल्कुल। देखें कोई ऐसा मसला थोड़ी है। तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आपको ये समझ आ गया, जब तक नहीं जल्दी जल्दी इसको निकाल रहे हैं, हम ब्रेक लेके वापस आ गए हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो आ रहे हैं हम रेसिपी की तरफ। 12 बज चुका है। कोकोनट पाउडर इसके अंदर, क्रीम के अंदर ऐड कर दिया मैंने, जो क्रीम व्हिप की थी 200 ग्राम, उसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर डाला है, ठीक है। कितना डाला है आपने? तकरीबन लगभग 3 टेबलस्पून जितना। 3 टेबलस्पून डाला, ये लिख लें प्लीज। अदर टेस्ट वाइज आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंदर बैटर में भी गया और इसमें भी विपी विप की क्रीम में भी जा रहा है, और वो जो लिक्विड बना के रखा है उसका, उस सोक करने के लिए केक, ये केक एक अंदर डाला था अभी, वो उसको टाइम लगेगा, तो ये बेक करके लाए थे, उसको 3 लेयर में काट लिया। ये जिनकी फरमाइश थी उन्होंने बड़े ध्यान से देखना इस केक को। प्लीज फिर मत बोलिएगा, वापस से सिखा दें। क्रीम देखें किस कंडीशन में आ चुकी है, जब भी क्रीम व्हिप करेंगे तो ये देखें, आपने इसको उल्टा करना है, क्रीम ने नहीं गिरना, अगर क्रीम सॉफ्ट होगी तो क्रीम गिर जाएगी इसके ऊपर से। इसको करेंगे सोक कोकोनट मिल्क के साथ। और अच्छा थिक बनाया है मिल्क, पतला नहीं है। क्या चाहिए? नहीं मैं स्पंज को देख रहा था, स्पैचुला चाहिए पापा। स्पंज नहीं हुआ है अभी आपका। सेकंड स्टेप, एक सवाल था मेरे पास कि अगर हम कोई भी स्पंज बनाते हैं तो उसको सोक किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, वो आपका फॉन्डेंट केक हो, वो आपका चॉकलेट केक हो, कोई भी केक होगा, सोक करना लाजमी है। फज केक को भी बिल्कुल करेंगे। सारा क्रीम का इनका कमाल है, इट्स टू गुड। बेटा इतनी शाइन कैसे आई है? अब शाइन तो आएगी ना, क्योंकि वो अंडा जो था वो बिल्कुल प्लेन था, ठीक है, इस पे तो शाइन आनी थी। और दूसरी बात ये कि उसको फ्रीजर में रखा था ना, वो थोड़ा सा गीला भी हो गया, तो गीले की वजह से भी थोड़ा सा शाइन आ गया इसके अंदर। नहीं चॉकलेट में भी आपकी शाइन, शाइन तो है ना, चॉकलेट में तो ऑलरेडी होती है ना, क्योंकि उसके अंदर फैट ऐड होता है। देखें कोकोनट मिल्क अच्छा खासा गाढ़ा है जी, मजे का टेस्ट होगा कोकोनट मिल्क के साथ। प्रोसेस का वेट करते हैं। केक स्टैंड करते हैं इसको रेडी।
मैं इसके एजेस दबा रहा हूँ क्योंकि थोड़े से एजेस इसके बाहर की तरफ है, चाहे तो उसको कट कर सकते हैं, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दें। हाथ की मदद से थोड़ा सा उसको सेट कर लें बस। थोड़ा सा मुझे क्रीम को ऐसा लगता है और व्हिप करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सॉफ्ट पिक में मैं काम नहीं करता हूँ, थोड़ा सा इसको मजीद व्हिप कर लेते हैं। ठीक है, एक दो सेकेंड। ठीक है, अगर आपने नहीं किया क्रीम को व्हिप, अगर ऐसे ही थोड़ी सी लाइट सी क्रीम व्हिप कर ली तो वो बहेगी फिर। चले, ऑलमोस्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट लेते हैं। अच्छे तरीके से आपने केक को पहले क्रीम से कवर कर लेना है। पिछले वीक मैंने जो अभी संडे हमारा गुजर गया, संडे को मेरी क्लास थी जिस पर मैंने ख्वातीन को ढोल केक बनाना सिखाया था। डॉल पहले, अभी ढोल। हाँ, पहले डॉल थी, अब ढोल था। अच्छा। वो इतनी ज़बरदस्त क्लास रही माशाल्लाह, वो कि हर बंदे ने कुछ नई नई टेक्निक मुझे सिखा दी। अच्छा। किसी का स्पंज खराब था, किसी का स्पंज बनाते हुए टूट गया, मतलब ऐसी ऐसी टिप्स वहाँ सीखने को मिली मुझे खुद को भी। एक नया मेरे लिए एक तजर्बा था कि स्पंज जब ख़राब हो गया तो उसको हमने कैसे सेट किया, मतलब बहुत मज़े की क्लास थी वो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मेरी जो होती है बेक हाउस पर, एवरी संडे जी हम भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इस संडे आप क्या सिखा रहे हैं? इस संडे इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा कार केक बनाना। अच्छा। यानी कि मैं खुद से नहीं सिखाता हूँ, मैं कह देता हूँ कि आप स्पंज बना के लेकर आएंगे, अपने हाथ से कटिंग करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, मैं सिर्फ गाइडलाइन देता हूँ। तो आप कितने अंडे का स्पंज बनवाते हैं? अभी जो कार केक है उस पर तो मैंने इनसे कहा कि 8 अंडों का स्पंज बना के लेकर आए, ताकि वो क्या करेंगे कि और आप काट के करते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल उसमें नहीं करते, कोई उनका पैन नहीं, नहीं नहीं नहीं, मोल्ड वगैरह यूज नहीं करते। मोल्ड से तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, हर बंदा बना लेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराने का मकसद क्या है, अपने हाथ से करें। चले, ऑलमोस्ट केक हमारा रेडी होने वाला है। अब नीटनेस के लिए आपके पास टिश्यू होना चाहिए और बार बार उसको साफ करना है। ये देखिए, यही तो खूबी है नीटनेस। ये नीटनेस ऐसे आएगी कि नाइफ को बार बार साफ करेंगे, अगर मैं भी इसको साफ नहीं करूंगा तो मे भी शायद मैं भी इससे नीट वर्क नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि नीट वर्क के लिए आपकी क्रीम भी अच्छी विप होनी चाहिए, क्रीम अच्छी विप नहीं होगी तो नीट वर्क नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हमने लेना है पाइपिंग बैग और उसके अंदर ये स्टार नोजल यूज करूंगा, छोटा नोजल है, इसके बॉर्डर्स लगाएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, आपको पता है आपको ये क्या कर रहा हूँ मैं, आइडिया है? मतलब क्या कर रहा हूँ? इसकी एयर निकाल रहा हूँ क्रीम। अच्छा। इसके अंदर एयर आएगी, जब भी हम नोजल वर्क करेंगे तो एयर नहीं आनी चाहिए। ओके। तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। एक लुक उसका। ओके।
अच्छा जी, अब लगाएंगे इसके बॉर्डर। ये नोजल का क्या नंबर है? आपा ये स्टार नोजल कराता है। ठीक। छोटा नोजल है ये, इसमें एक बड़ा होता है स्टार नोजल, एक छोटा नोजल होता है। इसका नंबर नहीं है, विदाउट नंबर के है ये। बॉर्डर लग गए। अब इसके अंदर आपने जो बारीक पाइनएप्पल काटा था वो डाल के ऊपर से हमने कोकोनट डाल देना है। फिनिश। पाइनएप्पल को ऐसे छोटे छोटे पीसेस करने हैं, बहुत ज्यादा बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। अगर हम चाहे तो इसमें थोड़ा सा जेलेटिन का ग्लेज डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जेलेटिन के ग्लेज के अंदर इसको डिप कर लें, डिप करके फिर निकाल के डाल दें। पाइन एप्पल्स को। जी, गुड आइडिया। चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ये तो हमारा केक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसमें अब जो डेकोरेशन बाकी है वो नारियल से बाकी है, डेसिकेटेड कोकोनट से। इस वक्त कोकोनट मिल्क पाउडर नहीं लगेगा, डेसिकेटेड कोकोनट लगेगा। साइडों में नहीं, ऊपर। अच्छा, ऊपर। हाँ, ऊपर डाल दीजिए, आपकी मर्जी है साइडों में डालना चाहे। ये तो मतलब एक फाइनल टच दे दिया हमने, अब आपकी मर्जी है, कुछ भी करें आप इसके साथ। ठीक है, तो जिसको पीना कुलाड़ा केक सीखना था तो सो सिंपल। मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। नईम के लिए बहुत दुआगो हूँ मैं कि मंगल वाला दिन इतना मेरा रिलैक्सेशन डे होता है, आराम से बैठ के उनको वॉच कर लेगा। चलो, ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम फाइनल टच देने लगे हैं इसको, फ्लावर का पेपर रखेंगे इसके ऊपर, एक पेपर बाद में हटा देंगे। पहले से डाल के कोई इशू नहीं, रख दें, गोल कटर के साथ काट दें। आप चाय तो पी रहे हैं, ठंडी हो रही है जी। आप जमेगा तो फिर हमारा काम आसान होगा। 2 सेकंड के लिए फ्रिज में रख। हाँ, रख दें, रख दें, टाइम बस भाग रहा है। सुनिए, मैं एक ट्राई कर रही हूँ, अगर टूट जाए तो गुस्सा नहीं होइएगा? हमारा रेडी हो चुकी क्वेश्चन। चलें, इसको निकालते हैं। थोड़ा सा है अभी इसको टाइम, लेकिन इशू नहीं है। वाओ, आई सक्सीडेड। मुश्किल नहीं है, व्हेन आपा कैन डू इट यू कैन डू इट। नहीं, ये भी और ठंडा होगा, ठंडा नहीं हुआ ये। हम इसको अगेन रखेंगे फ्रीजर में। फ्रीजर में जमा रहा है इसको इतनी जल्दी। क्या ले? हो गया जी। तो हम एक काम करते हैं, जब तक वो ठंडा होता है इसके साथ हल्की सी चॉकलेट लगा के इसको ऐसे टच कर लेते हैं इसके साथ। ये आपने कैसे सीखा था? नहीं, आप
पापा ये कुछ आइडियाज भी हैं, कुछ आपकी हेल्प इंटरनेट भी करता है। अच्छा ठीक है जी, मैं समझी अर्शद से। भाई ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भाई ने ना सिखाई हो, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, भाई ने सब कुछ सिखाया है। और भाई जितनी अच्छी चॉकलेट गार्निशिंग भाई करते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारी गार्निशिंग। आप कब आने वाले हैं कराची? काफ़ी टाइम हो गया, आप नहीं आए दोबारा। वो कहते लास्ट टाइम जब आए थे ना तो यहाँ बारिशें थी, क्या हालत बहुत बुरी थी, कह रहे यार अब दिल नहीं लग रहा है, अब कराची में दिल नहीं लगेगा। अच्छा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये चॉकलेट जमेगी, सबसे छोटा वाला पीसेस दे। बस अब जब आखिरी के दर 5-6 मिनट 10 मिनट रह जाते हैं ना, धड़कनें तेज हो जाती हैं मेरी एक घंटे के शो में। पापा वो फ्रीजर से निकालेंगी, क्योंकि ये बीच का हमने इसको डन कर दिया ऑलमोस्ट, अब क्या करेंगे कि साइडों में इसको, यानी कि खिला हुआ होना चाहिए ये, सेंटर का तो हमने इसको डन कर दिया है। पापा जम गया ये? हाँ ठीक है, हाँ जम गया। स्पंज भी हो गया, निकाल लूँ? बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अब आप इसके साथ क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सेम ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एसी ऑन होना चाहिए ताकि ये जल्दी से जम जाए। हो गया तो? हाँ हो गया, साइज छोड़ दिया इसने। एक हम कंपटीशन रखते हैं साले, हम एक कंपटीशन रखते हैं मसाला मॉर्निंग्स पे। एक घंटे में जो भी आएगा वो ऐसा फूल बनाएगा। एक घंटे में? हाँ इजली, आधे घंटा भी। अच्छा मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, खैर मे भी ना भी बने। नहीं बेटा कैसा बनेगा लोगों से। अच्छा जी, हम चल रहे हैं रिकैप की तरफ, आप रिकैप से आइए इंशाल्लाह। जब तक हमारा ये फूल डेकोरेशन मेड विद चॉकलेट एंड एग के शेल्स के साथ, ये और हमारा पीना कुलादा केक दोनों टेबल पे होगा, ठीक है? तो हम आपसे मिलते हैं रीकैप के बाद। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह पीना कुलादा केक बिल्कुल रेडी, और ये जो एग गार्निश आप लोगों को चाहिए थी चॉकलेट के साथ, उसका कितना खूबसूरत सा फूल बन गया है। आप जितनी पत्तियां चाहें उसकी अंडे से बना के बढ़ाते जाएं इसको, ठीक है? समझ आ गया होगा अब तो आप लोगों को। इंशाल्लाह ताला आप शेफ नईम के साथ अगले हफ्ते मंगल वाले दिन मुलाकात करेंगे, और जब तक के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और आप सब देखने वालों का भी बेहद शुक्रिया। फीडबैक दीजिएगा बना के, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे ज़बरदस्त मेहनत के साथ मुलाकात करेंगे। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।